अगर आप भी रविंद्र जडेजा को सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के मैच में रविंद्र जडेजा ने हैट्रिक के साथ 5 विकेट लेकर मैच को पलट दिया है, जिसे देखकर क्या बोली उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा। जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए अंतिम मैच में रविंद्र जडेजा ने हैट्रिक के साथ 4 विकेट लेकर मैच को पलट दिया है, जिसे देखकर उनकी पत्नी रिबाबा जडेजा की भी होश उड़ गए हैं और उन्होंने रविंद्र जडेजा को लेकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसे सुनकर आप भी उनको सलाम ठोकते रहेंगे। तो आखिरकार जडेजा की पत्नी ने उनकी शानदार गेंदबाजी को देखकर क्या कुछ कहा है, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और रविचंद्र अश्विन में से कौन है सबसे बेहतरीन गेंदबाज? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका अंतिम मैच मुंबई के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 200 रनों के अंदर 6 विकेट गिरने के साथ भारतीय टीम को मजबूती दिलाई। इस दौरान रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए। साथ में रविंद्र जडेजा ने आज के दिन 3 विकेट लेने के साथ न्यूजीलैंड की टीम की कमर तोड़ दी और उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अपना नाम 5वें नंबर पर हासिल कर लिया। इस दौरान उन्होंने जहीर खान को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी को देख उनकी पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा जडेजा ने बयान देते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए अंतिम मैच के पहले दिन रविंद्र जडेजा ने काफी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित कर दिया है। उन्होंने आज के दिन बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए सभी को बता दिया कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन के जरिए किस प्रकार से विरोधी टीम को परेशान करता हुआ अब दिखाई देने वाला है। आज के दिन भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा ने काफी ज्यादा शानदार गेंदबाजी कर दी है। उन्होंने सिर्फ विरोधी टीम के बल्लेबाजों को ही परेशान नहीं किया, बल्कि भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ियों को बता दिया कि किस प्रकार से उन्हें बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विरोधी टीम को परेशान करना चाहिए। आज जिस प्रकार से रविंद्र जडेजा काफी बेहतरीन गेंदबाजी करने के साथ विरोधी टीम को उसकी असली औकात दिखा पाए हैं, वो वास्तव में काबिले तारीफ है, क्योंकि इस तरीके का प्रदर्शन करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन और वॉशिंगटन सुंदर तीनों ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले भी भारतीय टीम को काफी ज्यादा मजबूती दिलाई थी, हालांकि को प्रभावित कर दिया है और बता दिया है कि वॉशिंगटन सुंदर अब भारतीय टीम को जीत दिलाने वाले अकेले खिलाड़ी नहीं है, बल्कि उनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा भी तैयार है। रविंद्र जडेजा जिस प्रकार से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए आज के दिन दिखाई दिए हैं, 4 विकेट ले चुके हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि भारतीय टीम से बेहतर टेस्ट टीम कोई और हो भी नहीं सकती है। हालांकि भारत पहले 2 मैच को हार गई, लेकिन भारतीय टीम के पास में जिस तरीके के गेंदबाज हैं उनका सामना करना बेहद मुश्किल है। तो दोस्तों, इस मैच में रविंद्र जडेजा की शानदार गेंदबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर